बरेली के थाना सिरौली के चेक पोस्ट बिश्रुपुरी बगिया चौकी पर कोरोना के भय से घरों को निकले लोगों को गुरु कृपया आश्रम के द्वारा खाना खिलाकर पुण्य कमाया जा रहा है। यहां बगिया चौकी पर प्रशासन भी सख्ती में दिखा। जो व्यक्ति फालतू घूमते नजर आए उनके चालान भी किए गए। यहां बाहर से आ रहे यात्रियों की एंट्री कर उन्होंने खाना खिलाया, उसके बाद ही जाने दिया। यहाँ पर शाम तक करीब 100 लोगों से अधिक लोगों ने भोजन ग्रहण किया। मेरा नाम बाबा राकेश है, कहा गया है भगोरा गोरी। जिस तरीके से कोरोना वायरस चल रहा है और जिसके प्रति लोगों में ये उसके संबंध में क्या करना चाहते हैं? ये तो एक तरह से आपदा ही है, सरकार का नियम मानना चाहिए। अगर सरकार का नियम नहीं मानेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो फिर ये तो बढ़ ही रही है। आपके द्वारा जो आज खाना वितरण किया गया है, कितने लोगों को खाना खिलाया गया? लगभग 100 लोगों को खाना खिलाया गया है, और ये जब तक और अभी चल रहा है, और ये जब तक कोरोना रहेगा, मतलब जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक चलता रहेगा जी, खाना पीना वो चलता रहेगा जी। आश्रम के नाम से चल रहा है किससे? हाँ, ये गुरु कृपा आश्रम है धनोरा गोरी। यहाँ बाबा राकेश कुमार धनौरा गोरी ने बताया कि जब तक यह लॉकडाउन व कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक यह भंडारा चलता रहेगा। इस संकट भरी घड़ी में जनता जो बाहर रह रही थी, कोई भी साधन न होने के कारण अपने घर के लिए पैदल ही भूखे प्यासे आ रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने थाना प्रभारी निरीक्षक सिरौली राहुल कुमार के सहयोग से यह प्रण लिया है कि जब तक यहाँ लॉकडाउन रहेगा तब तक भंडारा चलता रहेगा। यहाँ थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया, जितने भी क्षेत्र में गरीब व असहाय लोग हैं उनकी मैं हर संभव मदद का प्रयास करूंगा। इस खबर को दिखाने का मतलब हमारा ये है कि और अन्य धार्मिक संस्थाओं को भी ऐसे संकट के समय बाहर निकलकर आना चाहिए। आप देख रहे थे बरेली से चंद्रशेखर के साथ परशुराम वर्मा की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।